आईपीएल की धूम के बीच एक बुरी खबर सामने आई है। ये बुरी खबर आईपीएल 2022 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और उसके एक खिलाड़ी के लिए आई। दरअसल आरसीबी के स्टार फास्ट बॉलर हर्षल पटेल की बहन का निधन हो गया है। खबर आने के फौरन बाद से ही हर्षल पटेल को बायो बबल से बाहर जाना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक हर्षल पटेल ने बीच में ही टीम का साथ छोड़ दिया है और वो घर लौट गए हैं। ये साथ कुछ दिन के लिए ही छूटा है, वो फिर से टीम को ज्वाइन करेंगे। बता दें कि हर्षल की बहन का निधन शनिवार को ही हुआ है। उनकी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं थी। दरअसल आरसीबी टीम ने अपना पिछला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ शनिवार को ही खेला है। इसमें विराट कोहली की आरसीबी टीम को 7 विकेट से जीत मिली। इसी मैच के बाद हर्षल पटेल को भी खबर मिली कि उनके परिवार में किसी सदस्य का निधन हो गया है। इसी के बाद वो सीधे घर लौट गए। मुंबई के खिलाफ मैच में हर्षल पटेल ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 अहम विकेट हासिल किए थे। आईपीएल के एक सूत्र ने कहा, दुर्भाग्य से हर्षल को अपनी बहन के निधन के कारण बायो बबल छोड़ना पड़ा। उन्होंने पुणे से मुंबई के लिए टीम बस नहीं ली, वो अगला मैच खेलने के लिए टीम से दोबारा जुड़ेंगे। अगला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 12 अप्रैल को खेला जाएगा। बताया गया है कि हर्षल पटेल जब वापसी करेंगे तब उन्हें क्वारंटीन रहना होगा। इसी दौरान उनके कुछ कोरोना टेस्ट भी होंगे। टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें बायो बबल में दोबारा एंट्री मिलेगी। हर्षल पटेल हमेशा से ही आरसीबी के स्टार गेंदबाज रहे हैं। मौजूदा सीजन में उन्होंने 4 मैच खेले जिसमें 6 विकेट लिए हैं, जबकि पिछले सीजन में हर्षल पटेल ने 15 मैच में सबसे ज्यादा 32 विकेट लिए थे और पर्पल कैप अपने नाम की थी। वहीं आरसीबी टीम ने इस सीजन में अब तक 4 में से 3 मैच जीते हैं। हर्षल पटेल को लेकर आई इस बुरी खबर से उनके फैंस भी निराश हैं। हर्षल पटेल की बहन अर्चिता पटेल 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। ऐसे में हर्षल पटेल अपनी छोटी बहन के काफी करीब थे। यही वजह है कि वो बहन की मौत की खबर सुनते ही अपने घर के लिए रवाना हो गए। 31 साल के हर्षल पटेल गुजरात के साणंद के रहने वाले हैं। साणंद गुजरात में पड़ता है और वो पुणे से सीधे अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। न्यूज़ तक पिरो।